खबर चैनपुर प्रखंड अंतर्गत कंकारी पंचायत के अजलतुआ ग्राम से है, जहां आजादी के 75 साल बाद भी वहां के रह रहे हैं असुर आदिम जनजाति के लोग। अपनी सारी मूलभूत सुविधाओं से आज भी कोसों दूर हैं, जबकि जिले के अधिकारी व पदाधिकारी लगातार ये दावे करते हैं कि सरकार सभी योजनाओं को गांव गांव तक 100% पहुंचाने में सफल रही है। दावों की पोल तो तब खुल गई जब हमारे द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह सच की तहकीकात करने अजलतुआ के डूमर खोला में रह रहे 10 असुर जनजाति समुदायों के बीच पहुंचे। यकीन मानिए, आज 22वीं सदी में भी इन लोगों तक कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। न ही कोई ठिकाना है, न ही कोई पहचान। उन तक पहुंचने के लिए न कोई सड़क है, न ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। हैरान होने की बात तो यह है कि जहां ये रहते हैं वहां आज तक बिजली की भी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। असुर जनजाति के लोग अपने आसियाने तक पहुंचने के लिए रास्ते भी खुद बनाए हैं। इन जंगलों में 20 वर्षों से रह रहे बुजुर्गों को अब तक कोई सरकारी लाभ तक नहीं मिल पाई है। ये जंगलों के कंद मूल खाने को आज भी मजबूर हैं। हालांकि संवैधानिक तौर पर बात की जाए तो इन आदिम जनजाति के लोगों को 18 वर्ष की उम्र से ही उन्हें उनके बेहतर जीवन यापन हेतु पेंशन व सरकारी नौकरियों में पहली प्राथमिकता देने का प्रावधान है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इन पर नहीं यहाँ के प्रखंड अधिकारियों का ध्यान है और न ही यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों का। इस क्षेत्र के विधायक और सांसद को इनको तो पूछिए ही मत। इनकी गुमशुदगी की तलाश तो क्षेत्र की पूरी जनता पिछले कई सालों से कर रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजय कुमार सिंह की ये खास ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूँ अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं चैनपुर प्रखंड के अजलतुआ ग्राम में, जहाँ पे आदिम जनजाति के लोग, असुर जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, कई वर्षों से रहते आ रहे हैं। इनका आज क्या हाल समाचार है, यही जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और इनसे एक एक करके बात करेंगे। इनके समस्या क्या है और यहाँ जब रह रहे हैं तो इनके पास इनके नाम की कोई जमीन जायदाद है या नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए बात करेंगे। आज देखिए, हम 20 साल हो गया है, देखिए हमको मिल के बन पाता भी नहीं मिल रहा है जमीन जगह। अच्छा, तो कितना साल से यहाँ रहे थे? 20 साल हो गया। 20 साल से? हाँ। और अभी तक कोई सुबह हमको मैंने कि वृद्धा में नहीं बन सकता है, वृद्धा पेंशन भी नहीं। हाँ, 10 बार से हम वृद्धा पेंशन हम दरखास्त दिए थे। उम्र कितना हो गई? हम लोग 80-90 तक हो गई है ना, अभी तक कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिला। नहीं, यहाँ 20 वर्ष से रह रहे लेकिन कोई वृद्धा पेंशन नहीं। 10 वर्ष हो गया वृद्धा पेंशन में दरखास्त दी है। दरखास्त दी है 10 वर्ष। चलिए, तो हम बात करेंगे, अभी और भी लोग उपस्थित हैं। इनकी तो पहली समस्या ये बता दिए कि इनको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है और सरकारें दावा करती हैं, यहाँ की जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, वो लोग भी दावा करते हैं कि वृद्धा पेंशन सबों को मिल गई। इस तरीके का लिस्ट भी भेजा जाता है प्रखंड में भी, और प्रखंड के लोग भी सूचित कर देते हैं कि पूर्ण रूप से वृद्धा पेंशन लागू, लेकिन अभी तक मिला नहीं है आपको ना। चलिए, मैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर के, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा इस पर उचित तरीके से जाँच पड़ताल करके जो हकदार हैं वृद्धा पेंशन के, आप इनकी उम्र देख सकते हैं, 80 वर्ष से ऊपर उम्र है और अभी तक इनको यहाँ लगभग 20 साल हो गया रहते हैं और अभी तक कोई पेंशन नहीं मिला। नहीं, 10 वर्ष हो गया हम। और तो इनको जांच पड़ताल करके उचित तरीके से इनको अविलंब इन सभी का पेंशन, वृद्धा पेंशन है वो लागू कराई जाए। हमारे बीच देखिए बहुत से उधर महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए, क्या नाम है के? क्या नाम है के? तो जैसे दादा बता लेन उन्हें की वृद्धा पेंशन नहीं मिलल, तो रहो नहीं मिलल। हमें तो ये थोड़े दिन आई ही नहीं मिलल हमें ना, आधार कार्ड भी नहीं सुधरल है। अच्छा, अभी आधार कार्ड भी नहीं बनल? तो आधार कार्ड ले खींचे ही लेकिन इन्हें कर। अच्छा, मतलब बनल नहीं के? हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं के ना? नहीं हमें। चलिए, और कोई सुविधा उविधा यहाँ स्वास्थ्य के मिलल? सुविधा तो अच्छा, मैंने यहाँ 20 वर्ष हो गए लेकिन जमीन भी रबर के नाम से कोई नहीं है, वन पट्टा भी नहीं मिला। तो यहाँ के जो अधिकारी बन का कुछ मांग करी थी क्योंकि हम न्यूज चैनल से आई थी, तब जब बताए तबे ना मिली है ना, तो का कहल चाहे थी सरकार से? यहाँ सरकार से
का मांगे थे बोलू वृद्धा पेंशन वृद्धा पेंशन नहीं मिले हम चाहते वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा वृद्धा पेंशन चालू करावे वो तो हमने देखे थे कि उम्र भे गेल बा वृद्धा पेंशन के लेकिन वृद्धा पेंशन भी नहीं के ना नहीं के चलो हम भी अपने न्यूज के माध्यम से सरकार से भी गुहार करब यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़े जो चैनपुर के उनकरा से भी हम विनती करब कि इन्हीं के पेंशन मिलेगा चाहिए। आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं यहाँ जो भी लोग आते हैं सिर्फ आश्वासन दे के चले जाते कुछ करते नहीं है अधिकारी तो आप उन अधिकारियों को अधिकारियों से इस चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं यहाँ पर जो हम लोग हैं कि कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ हम लोग रह रहे हैं 22 2002 से है होंगे तो हम बहुत बाद में भी आए हैं तो उतना हमको पता नहीं है तो यहाँ का कुछ खेत जमीन का कागज भी नहीं है ना कुछ है ये नहीं है तो हम लोग को यही मांग चाहिए कि हम लोग को जल्दी चाहिए सब मतलब बच्चे को कुछ कागजात बनाने में दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रहा है जैसे कि अभी सर्टिफिकेट रहने से क्या कुछ रसीद रहेगा तब तो हम लोग भी कुछ जाते हैं उसे बना सकते हैं या बिल्कुल तो यही दिक्कत होता है इसलिए ये सब हम लोग को जरूरी है तो होगा या नहीं होगा तो यही सरकार से दुआ है। चलिए यहाँ की एक बच्ची है जो शिक्षा पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रही है और शिक्षित होने का प्रयास कर रही है क्या नाम है सोनिया असुर तो अभी जैसे कि आपके गार्जियन लोग बता रहे थे कि यहाँ कुछ जमीन जायदाद का कुछ आपके पास रसीद वगैरह कुछ नहीं है यहाँ रहते हैं बस ऐसे ही रहते हैं तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को यहाँ से जो रसीद सब नहीं ना है तो इससे जैसे जाति स्थानीय आजकल स्कूल में मांग हो रहा है तो नहीं बन रहा है यहाँ से बिजली भी नहीं है पढ़ने से कठिनाई भी होती है क्योंकि बिजली नहीं रहने से अंधेरा हो जाता है ना तो नहीं दिखाई देता है। तो अभी सरकार से क्या मांग करना चाहती हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो तो बोल्ड आवाज में बोलो कि हाँ सरकार हमको ये चाहिए हमारा अधिकार है हम भी मानव हैं सरकार से यही मांग चाहते हैं कि हमें बिजली दे और फिर जो हम लोग का जमीन है इसका कागज क्योंकि हम लोग को दिक्कत है जातीय स्थानीय सब बनाने के लिए और अगर जातीय स्थानीय नहीं बनेगा तो आगे चल कर हमें कठिनाई हो सकती है क्योंकि हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते बिल्कुल। तो ये बच्ची जैसा बता रही है कि यहाँ जो रहते हैं जिसको ये पहाड़ था और पहाड़ को एक तरीके से इसको उपजाऊ धरती भी बनाया यहाँ रहने के लिए घर बनाया और यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं लोग लेकिन अभी तक इनको कागजाती तौर पे इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप यहाँ रहते हैं यहाँ के निवासी हैं जबकि 20 वर्षों से ये लगातार रह रहे हैं। तो सरकार के उन तमाम अधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि इनको उचित तरीके से इनका जो अधिकार है मानव होने के नाते हर मानव का एक अधिकार है कि हमारे पास एक परिचय प्रमाण पत्र हो कि हम यहाँ के निवासी हैं और ये 20 वर्षों से रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों को इस पर उचित जांच करके और इनका जो मांग है वो कम से कम पूरा किया जाए इनके जो घर है स्थल जहाँ पे है इसका एक कागजाती प्रूफ दिया जाए ताकि इनको पढ़ने में जैसे ये बता रही है कि पढ़ने में अभी जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है तो अगर उसके पास कागजात नहीं होगा तो कैसे जाति प्रमाण पत्र बनाएगी तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कागजाती तरीके से कागजात उपलब्ध कराए जाए ताकि इनका ये यहाँ के स्थानीय होने का एक प्रमाण इनको मिल सके। हमारे बीच और भी सदस्य हैं उपस्थित हैं और आदिवासी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए कैसे आदिवासियों के साथ एकजुट होकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इनसे बात कर रहे हैं और इन्हीं के क्रम में इसी क्रम में हमको भी यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जानने का प्रयास करूँगा कि सर आज आप लोगों का उपस्थिति कैसे दर्ज हुई। हम लोग को पता चला कि असुर जनजाति के लोग यहाँ पर चैनपुर प्रखंड में रह रहे हैं जंगलों में हैं और इनका 20 साल से यहाँ रहना हो रहा है लेकिन अभी यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि इनकी क्या क्या समस्या है। अभी तक इनके पास ना कोई बन पट्टा है ना इनके ज़मीन का जो है किसी तरह का मलबंदी हुआ नतीजा है कि आज इनके जो है कोई भी रसीद नहीं करता है ज़मीन का किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं होने के चलते यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं
असुर आदिवासी लोग जो हैं उनको किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है और इसी के चलते यहाँ के बच्चे किसी तरह से पढ़ने का भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी जिसे आप बात कर रहे थे वो बच्ची केजी स्कूल में पढ़ती है डाल्टनगंज, और यहाँ से इसकी दूरी लगभग हमको लगता है 15 से 20 किलोमीटर, और यहाँ से पैदल जाती है ये लड़की अकेले, तो इनको आज तक साइकिल भी नहीं मिला। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो इन ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके इनके मूलभूत सुविधा देने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ हमारे पलामू जिला के अधिकारी को भी इस दिशा में जो है ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो है इनको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाए, ताकि ये भी भविष्य में आगे बढ़ सके, इनके बाल बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ लिख करके जो एक आदिम जनजातियों को जो है आरक्षण जो प्राप्त है उस आरक्षण के तहत इनके बाल बच्चों को यथाशीघ्र जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी से जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से ये बता रहे थे, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा इनका एक संगठन है और उसी के चलते आदिवासियों को एकजुट करने का इनका एक प्रयास है, और उसी बहाने यहाँ आज ये लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच कुछ और सदस्य, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। कैसे आना हुआ यहाँ? नमस्कार, जोहार, मेरा नाम हुआ सुनील उराव। ऐसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के संगठन SST विंग के झटन पर अध्यक्ष भी हैं। तो हम लोगों को जानकारी मिली थी और ये हमारा आदिवासी महासभा का उसमें भी हम सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम लोग से सुना था कि आदिवासी असुर जनजाति में एक धन खल जाते हैं, यहाँ एक घर है चैनपुर प्रखंड में, लेकिन आज जब सामने आए तो पता चला कि यहाँ 10 से 15 घर है, और 10-15 घर यानी कम से कम 40-50 लोग होते हैं। जिस तरह हम देश की बात सुनते हैं देश में कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन शहर से मात्र 15 किलोमीटर बगल में आप देख सकते हैं जो जनजातियों का स्पेशली व्यवस्था होता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण कहा जाए या उनके मूलभूत सुविधा कहा जाए या सरकार गाइडलाइन में हर तरह सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला है, आप आके देख सकते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा एक मानव होने के नाते कि जो प्रखंड के विकास पदाधिकारी हों या डिस्ट्रिक्ट के DC साहब हों, उपायुक्त आयुक्त महोदय हों, उपायुक्त महोदय हैं, सारे लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज 22वीं सदी में जी रहे लोग, देश का 75वां वर्ष आज़ादी वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ ना रोड है, ना पीने को पानी है, ना कोई स्वास्थ्य का सुविधा है। तो ये एक विडम्बना है ये भारत देश के लिए कि आज भी वो चीज़ नहीं पहुँच पाई जो कि हम 75 साल से ही सुन रहे हैं, नली गली वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास ही सुन रहे हैं, PM आवास, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया है। तो विशेषकर ये ध्यान दिया जाए और रियल मायने में आपके हमारे न्यूज़ के माध्यम से अभी आपको मिलेगा कि जो यहाँ पे औरतें हैं जिनका उम्र 60, 65, 70 साल हो गया, जो बूढ़े एक बाबा हैं उनका 80 साल हो गया, अभी तक पेंशन नहीं बन पाया है, आखिर उनका ज़मीन का पेपर नहीं है तो पेपर कौन बनाएगा? आप अधिकारी हैं, आप उसको शोध करें, जाँच करें, उसको बनवाएँ, आपके पास सुविधा है, आपके पास टेक्निकल हैंड है, आप क्यों नहीं करते हैं? ये होना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं कि इनका जल्द से जल्द हर जो सुविधा है, बरसात में सुने कि बरसात में पानी लोग पीने को मजबूर होता है, जो नदी नीचे जो कुआं है वो कुआं भी खेत के बीच में है, बरसात से भर जाता है, तो ये लोग ओरियानी का पानी जो छत देख रहे हैं आप, जो खपड़ा का पानी चूता है वो पानी लोग गर्म करके पीता है, मजबूर है। तो ये हम आज इस देश में जी रहे हैं जो हम विकास देश बोलते हैं भारत देश को, मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। मैं फिर से आग्रह करूँगा कि इस दुख और दुख पीड़ा को कम करें, पूरे देश के लोगों का मान सम्मान से जीने का अधिकार है, वो अधिकार मिलना चाहिए। नमस्कार, जोहार। बिल्कुल, हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के एक और सदस्य उपस्थित हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कैसे आना हुआ आज यहाँ? जी जोहार, आज जिस प्रकार से हम लोगों जो समाज के बीच में काम करते हैं उसी के तहत हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ एक चैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत अजलतुआ गाँव है, उसी गांव के अंतर्गत में एक टोला है जो असुर टोला के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को जब यह मालूम हुआ तो हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहां आने का काम किए और इन लोगों की का जो अभी का जो स्थिति है, हालात है, उसे जानने का प्रयास किया। जब हम लोगों के सुनने के लिए मिला, देखने के लिए मिला, तो हमें बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ब्लॉक से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव स्थित है, और इतना इसके पास इस गांव में आने के लिए ना कोई रोड है, ना सड़क है, ना कोई सुविधा है। आखिर समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार की जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे यहाँ की जो सरकारें हैं, क्या दावा करती है कि हमने सभी तरह से मूलभूत सुविधाओं को जैसे लोगों के बीच में पहुँचा दिया हूँ।
तो जब हम देखे, यह सबसे पहली बात है कि जिस गांव में 15 से 20 वर्षों से लोग यहां पर रह रहे हो और उन्हें आज तक रहने के लिए एक आवास के लिए उनके पास जैसे किसी प्रकार का कोई कागजाती पर्चा नहीं है, वन पट्टा तक नहीं मिल पाया है और ये लोग एक क्या कहा जाए कि गए गुजरे की तरह ज़िंदगी को बिता रहे हैं और साथ ही साथ 20 वर्षों से जहाँ पर रहें, यहाँ पर अनेक जैसा कि सुनने की मेरे अन्य पदाधिकारी भी आए हैं, वीडियो तक भी आए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इन्हें जो पूर्व के वीडियो होंगे शायद अभी वाला वीडियो नहीं आया है, तो आखिर कहाँ है? यहाँ पर न पीने के पानी की सुविधा है, न रोड है, न बिजली है, न तो किसी भी, आज 80 वर्ष के, जबकि ये आदिम जनजाति से आते हैं, आदिम जनजाति के लोग हैं इन लोगों का एक विशेष प्रावधान है संविधान के अंतर्गत कि 18 वर्ष की उम्र पाने के साथ ही पेंशन की जैसे व्यवस्था इन्हें दिया जाए, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का, किसी भी युवा का, किसी भी बुजुर्ग का कोई पेंशन नहीं है। बड़ा ही ताजुब होता है कि आखिर यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कर क्या रहे हैं, आखिर किनका विकास कर रहे हैं? क्या सिर्फ बड़े बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का, या फिर धनासेठों का, आखिर किसका, या फिर ब्लॉक के दलालों का? मैं इन सब बातों को कहते हुए यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, चाहे उपायुक्त महोदय हो या फिर ब्लॉक वीडियो साहब हो, मैं सभी से विशेष करके आवेदन करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप यथाशीघ्र इस पर संज्ञान लें और इन्हें जल्द से जल्द बनपट्टा से सुविधा मुहैया कराया जाए, इन्हें जल्द से जल्द पानी की सुविधा कराया जाए, इन्हें जल्द से जल्द बिजली की सुविधा कराया जाए, अन्यथा कल के आने वाला समय में यह देखा जा रहा है कि जिस तरह की इन लोगों का जो है दिन प्रतिदिन यह जो असुर जनजाति के लोग हैं विलुप्तता की ओर हैं, प्रायः इन लोग समाप्ति की ओर हैं। अभी सरकार की एक से एक योजनाएं चल रही हैं कि इन्हें ऊपर उठाया जाए, इन्हें और जैसे इनकी जनसंख्या को देखते हुए इन्हें और सुविधा दिया जाए, लेकिन कुछ कहीं नहीं है। अभी एक यहाँ के भाई हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, उन्होंने कहा कि हम अप्लाई तक कर नहीं पा रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अप्लाई करने गया तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, जिसके चलते मुझे मेरा अप्लाई नहीं हुआ, जबकि असुर जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है कि जैसे ही वो मैट्रिक पास करते हैं या किसी भी तरह से जैसे नौकरी पाने योग्य होते हैं, उन्हें नौकरी से उठा करके देने का प्रावधान है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, यहाँ के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं कि उसे उससे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उस जनजाति से, जिसका कि यहाँ पर विशेष सुविधा दिया गया है। तो मैं उन्हें यहाँ से सख्त विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि आप यथाशीघ्र जैसे इनके ऊपर ध्यान दें, इनके गाँव में आएँ और आ करके इनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान दें। अगर कुछ भी नहीं है तो जो मैट्रिक पास किए हुए यहाँ के जो नौजवान हैं, जो मैट्रिक पास कर रहे हैं, उन्हें आप यथाशीघ्र नौकरी से जोड़ने का काम करें, इन्हें नौकरी दिलाने का काम करें, ताकि इनका जो जीवन स्तर है उसे ऊँचा उठाया जा सके। और ख़ास करके हम यह निवेदन करेंगे कि वन पट्टा के लिए हम इन लोगों के माध्यम से अप्लाई करवाएंगे, आवेदन करवाएंगे और ये उसे यथाशीघ्र पास करा करके जो राजकीय मेला जो अभी इसी वर्ष घोषणा किया गया है, दुबियाखार आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को, उस मेले में इन लोगों को वन पट्टा दिया जाए, ताकि इन लोगों का जैसे एक ज़मीन पर अपना अधिकार बन पाए, अपना एक विशेषाधिकार हो पाए। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः कहते हैं कि सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि हमें इसके लिए विशेष रूप से किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। धन्यवाद। हम उपस्थित हैं इस जगह के लिए, यहाँ के जो निवासी हैं असुर जनजाति के लोग, अजलतुआ के, ये कौन सा टोला पड़ता है, डूमर खोला, यहाँ पर पहुँचने के लिए कई बार इन्होंने मुझे कॉल भी किया कि आप वहाँ उस जगह से वाकिफ़ हैं, एक बार चलिए, वहाँ की जो असुर जनजाति के लोग हैं उनकी समस्या को जानिए और सरकार तक इनकी समस्या को पहुँचाएं, ताकि यहाँ के लोग जो कई वर्षों से, 20 वर्षों से लगभग बता रहे हैं कि 20 वर्षों से ये इस समस्या से जूझ रहे हैं, इनको आज तक बेहतर तरीके से जीवन यापन करने के लिए नहीं लाइट है, नहीं पानी की उचित सुविधाएँ हैं, नहीं उस तरीके का कोई सरकारी लाभ इनको मिल पाया है। और रिक्वेस्ट इन्होंने ही किया था, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि अब इनके बीच आकर आप इनकी जो समस्याएं हैं जानकर कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे। सबसे पहले आपको जोहार, इस चैनल के न्यूज़ से माध्यम से हम लोग, हमारी पत्नी फिया फाउंडेशन संस्था में काम करती है, फिया फाउंडेशन संस्था से ही रिक्वेस्ट था कि आप लोग जाके मिलिए असुर जाति लोग से, आदिम जनजाति है, वहाँ क्या कष्ट है क्या नहीं है। हम लोग आए शुरू दिन देखे तो दंग रह गए, पानी पीते हैं, गड्ढा का पानी पीते हैं। इस टोला पर तो ठीक है, एक और टोला है, 5 घर वहाँ भी हैं, एकदम ऐसे पानी पीते हैं, गंदा पानी, बिजली है,
और बहुत कुछ को तो राशन भी नहीं मिलता है, ये हम लोग नहीं बोले, कुछ लोग का राशन कार्ड नहीं है यहाँ, कुछ लोग का मिलता है सिर्फ राशन, वो दो महीना तीन महीना में कैसे खा कर रहेगा, दो तीन महीना में एक बार खाना है, महीने महीने इन लोग का घर में पहुँचा के देना रहता है। अब लाइन नहीं है, किरासन तेल भी कोई डीलर नहीं देता है इन लोग, अब नहीं कहीं सरकार द्वारा मिलता है। यहाँ का बच्ची पढ़ने जाती है पैदल, उसको साइकिल तक सुविधा नहीं है। यहाँ पे एक जानवर बीमार था, कोई डॉक्टर आया ब्लॉक से, पैसा ठग के ले गया। हम आए उसको, हम खुद अथी अपने फिया फाउंडेशन संस्था द्वारा हम इलाज करवाए फ्री में, मुफ्त में। तो सरकार के अधिकारियों से, जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं चैनपुर के, उनसे आप क्या दरख्वास्त करना चाह रहे हैं? उनसे यही दरख्वास्त करें कि जो देखिए शेड्यूल में है आदिम जनजाति लोग का 18 प्लस है जाते अथी पेंशन देने का, आप पेंशन कर जरूर करवाइए। कितना बार सब लोग आवेदन दे दिए जबकि 80-90 साल का हो गया बुजुर्ग, उनको नहीं मिला है। बता रहे थे गार्जियन 20 वर्ष से हैं, लेकिन यहाँ सरकार आपके द्वार में भी फार्म गया है यहाँ से बहुत बार, नहीं नहीं हुआ। पहुंच गया है, वीडियो से भी खुद जाके लोग मिले हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। यहाँ ब्लॉक में गया है तो ये सब सुविधा देने का काम करें, जो इनका आता है शेड्यूल में वो कम से कम करें, बस यही रिक्वेस्ट करेंगे। और बाकी बात तो फिया फाउंडेशन संस्था लगल है, लगबे किया है, अपना कोशिश करबे करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।